तो गाइस भारत में ऐसे दो शहर हैं जिनके निवासियों का दिल एक दूसरे के शहर में जाने का करता है, जैसे दिल्ली वालों का दिल मुंबई जाने का करता है और मुंबई वालों का दिल दिल्ली जाने का करता है। तो मेरा दिल तो बचपन से ही मुंबई जाने का कर रहा है, तो आज अपने दिल की सुनते हैं और करते हैं पैकिंग, फिर चलते हैं अपने सपनों के शहर मुंबई। कैब में बैठ चुके हैं और यहाँ पे ये देखो हमारा सामान पड़ा हुआ, इस साइड भी मैं पीछे बैठा हूँ, विशु आ गया है, यहाँ से चलते हैं रेलवे स्टेशन। हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन है 4:30 बजे की और हम यहाँ पे 4 बजे पहुंच चुके हैं। और जब हमने आके देखा तो हमारी ट्रेन यहाँ पे पीछे ही खड़ी थी। ट्रेन का नाम है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो अभी हमें ट्रेन में बैठे बैठे 1 घंटा हो चुका है, हमें ये ट्रेन 15.5 घंटे में पहुँचा देगी। और जितनी भी ये मुंबई जाने वाली ट्रेन्स है उनमें से सबसे जल्दी यही ट्रेन पहुँचाती है, सुबह 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं ट्रेन के गेट पे खड़ा हुआ हूँ और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मेरे सामने इतना प्यारा व्यू है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ व्यू। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। जैसे कि ये पहाड़ चढ़ना। तो अभी हमें अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं ट्रेन के अंदर और हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो हम ऊपर वाली बर्थ पे आ गए कुछ खाने के लिए। तो मम्मी ने बोला था कि तेरे बैग में गुंजिया रखी है, तो मैंने देखा गुंजिया तो कहीं पे भी नहीं है, ये मिक्सर दिख रही है। तो मैंने इसके अंदर खोल के देखा तो मिठाई का डब्बा निकला, इसमें निकाल के देखा तो गुंजिया ही निकली। और जब गुंजिया देखी मैंने तो इसके अंदर निकले भाई 500 रुपये। तो भाई मम्मी ने ऐसा दिमाग लड़ाया, मैंने बोला था कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, फिर मम्मी ज़बरदस्ती दे रही थी और मम्मी ने ऐसा दिमाग लड़ाया इसमें पैसे दिए। अभी मम्मी बोल रही है, अभी एक सरप्राइज़ हो रहा है, अभी फ़ोन आया था मेरे पास, अब देखते हैं वो क्या सरप्राइज़ है, वो आपको बताऊंगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपके और साथ। बाकी ना जब इसने भाई ये पैकेट निकाला था ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मैंने चला आलू भुजिया खाते खाते। और जब ये निकाली इसे खोलने के बाद ये मिठाई का डब्बा निकला, इसके अंदर से गुजिया, दिल टूट गया तेरा। ये दिल टेढ़े मेरे सरस्तों पे नंगे पाँव रे भटक रे ना बाबा। तो अभी अप्रोक्स 11 बज रहे हैं, तो बैठे बैठे ना कमर टेढ़ी हो चुकी थी, तो इसीलिए कमर सीधी करने के लिए भाई मैं अपनी बर्थ पे आ गया, विशु अपनी बर्थ पे चला गया। मैंने आपको बताया था कि एक और सरप्राइज़ है, मम्मी ने बताया था कि अब तेरे लिए एक और सरप्राइज़ है, आगे पता चलेगा। तो वो सरप्राइज़ था मेरे लंच बॉक्स के अंदर, टिफ़िन के अंदर। तो दोस्त में 2 कंटेनर थे, एक में सब्ज़ी थी और एक में मिक्सर थी। तो जो मिक्सर वाला कंटेनर था ना उसके अंदर भाई पैसे रखे थे मम्मी ने 500 रुपीज़। तो अभी टाइम हो रहा है 11:37, ये देखो, और सभी लोग सो चुके हैं यहाँ पे। विशु वहाँ पे सो रहा है और मैं यहाँ पे लेट हुआ हूँ और मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। चाय 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 तो मैं भी सो गया था और अभी 6 बज चुके हैं और अभी 1 से 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है और हमने वडोदरा क्रॉस कर दिया है। ये ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है, अपने बिल्कुल भी डिले नहीं है, बल्कि अपने टाइम से 2 मिनट आगे चल रही है और बेस्ट ट्रेन है भाई महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अभी हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे बोरीवली रेलवे स्टेशन और वहां पे हमारा एक दोस्त आ रहा है जिसका नाम है यश। उसको मैंने सुबह 6:30 बजे फ़ोन करके उठा दिया था कि भाई हमें लेने आ जा क्योंकि तेरे को 1 घंटा लगेगा आने में, इसलिए मैंने उसे 6:30 बजे ही फ़ोन कर दिया था।
और वो 7 बजे ही निकल गया था अपने घर से और 8 बजे वो पहुंच गया। तो ये है हमारा दोस्त जिसका नाम है यश, लेकिन हम इसे येड़ा भी बोलते हैं। और येड़ा क्यों बोलते हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। तो येड़े चले फिर। अभी हम बोरीवली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। येड़े अपन का किधर जाने का है? नाला सुबाना। ये लोकल ट्रेन से जाएंगे अपन। इतने चलो फिर लोकल ट्रेन में भाई। अरे भाई 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 भाई, लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वो भी ट्रेन के अंदर से। तो ये देखो भीड़ देखो कितनी हो गई है यार यहाँ पे लोकल ट्रेन के लिए। पहुँच चुके फाइनली ये डे के घर पे और ये दोनों अंदर चले गए और अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। और जो अब जो बाकी ब्लॉग्स आएंगे वो डे वाइज आएंगे, डे वन, डे टू, डे थ्री। और ये जो ब्लॉग होएगा ये दिल्ली टू मुंबई का रहेगा। तो आई होप आपको लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।